हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, तुनिशा शर्मा केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो शिजैन मोहम्मद खान ने एक बार फिर से अपना स्टेटमेंट बदला है और शिजैन का नया स्टेटमेंट सामने आया है। शिजैन बार बार अपने स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं और हर बार उनकी स्टेटमेंट कहानी को कोई और ही मोड़ दे देती है। इस बार उन्होंने तुनिशा से ब्रेकअप की वजह को अपनी बहनों के ऊपर डाल दिया, यानी कि इंडस्ट्री की जानी मानी टेलीविजन एक्ट्रेसेस शफकनाज और साथ ही साथ फलकनाज। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा की मां ने मोहम्मद खान, शिजैन मोहम्मद खान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनकी बेटी का मिसयूज़ किया, 3-4 महीने तक शादी के वादे किए, रिश्ता रखा और अचानक से उसको छोड़ दिया। और यही धोखा, यही दर्द दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई उनकी बेटी। तो वहीं अब फलकनाज और शफकनाज के ऊपर एक बड़ा और गंभीर आरोप उनके भाई ने लगा दिया है। एक तरह से देखा जाए तो ये आरोप नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बहनों को इन सब से जोड़ने का आखिर क्या मतलब बनता है। वेल, आपको बता दें कि शिजैन मोहम्मद खान ने पहले तो ये कहा था कि वो श्रद्धा वॉल्कर केस से सबक ले चुके थे और यही वजह रही कि वो डर गए और उन्होंने इस रिश्ते से अपने कदम पीछे ले लिए। तो वहीं कुछ दिन बाद उनका दूसरा स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो अपने करियर की वजह से अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे और नहीं करना चाहते थे तुनिशा से शादी। यही वजह थी कि उन्होंने तुनिशा से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। तो वहीं उसके बाद एज डिफरेंस को लेकर भी उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था। तो हाल ही में बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि शिजैन मोहम्मद खान का ये कहना है कि अपनी बहनों की वजह से उन्होंने तुनिशा से रिश्ता ख़त्म किया। वेल, उनकी बहनों का कहना था कि तुनिशा दूसरे धर्म और उनसे उम्र में काफ़ी छोटी है, यही वजह रही कि शफकनाज और फलकनाज ने साफ तौर से इनकार कर दिया था कि यह रिश्ता वो अपना नहीं सकेंगे। और यही वजह रही कि शिजैन ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है कि तुनिशा शर्मा से अलग होने की वजह उनकी बहनें थी। ऐसे में शिजैन ने जो बातें कही हैं वो सच हैं या फिर जो खबर आ रही है वो झूठी, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप क्या कहेंगे, हमें अपने व्यूज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।